वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा से और संतों के अनुग्रह से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो कृपा प्रसाद दास को प्राप्त हुआ, श्रीधाम वृंदावन में रह करके विद्यार्थी जीवन में जिस ढंग से हम लोगों ने विद्या अध्ययन किया और आज भी वर्तमान में हम देख रहे हैं विद्या बहुत दुर्लभ हो गई है। एक विद्यार्थी यदि शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता है तो उसे खोजना पड़ता है कि मैं किसके पास सीखने जाऊं। श्रीमद् भागवत भी वह पढ़ सकता है परंतु विधिवत उसका प्रशिक्षण थोड़ा दुर्लभ हो रहा है। इसलिए संतों के आशीर्वाद से और भगवत प्रेरणा से पाराशर अध्यात्म पीठ की स्थापना का संकल्प मन में जागा और हमारा उद्देश्य इस पीठ की स्थापना का सिर्फ एक ही था कि एक ही स्थान पर विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत का भी लाभ मिले, श्रीमद् भागवत का भी स्वाध्याय हो, वेद व्याकरण और ज्योतिष आदि जो पांडित्य के प्रमुख अंग हैं उन सब का एक स्थान पर ही अध्ययन हो और श्रीधाम वृंदावन से इस विद्यापीठ के द्वारा अच्छे प्रबुद्ध विद्वान व्यास तैयार हों, कथावाचक तैयार हों जो संपूर्ण विश्व में धर्म की कीर्ति पताका को लहरा दें, सनातन धर्म की ध्वजा के संवाहक बने। भगवत कृपा से वह संकल्प परिपूर्ण होने का समय आ गया। 27 फरवरी से 4 मार्च 2020 में इसका उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ है। अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत का पारायण होगा। 108 ब्राह्मणों के द्वारा सस्वर श्रीमद् भागवत का गायन होगा। देश की विशिष्ट विभूतियों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। अनेकानेक संत विद्वान ब्रज के रसिक आचार्यों का दर्शन, प्रातःकाल श्रीमद् भागवत का पारायण और 9:30 बजे से और 1 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा और प्रसाद पाने के बाद में फिर सायंकाल नित्य प्रति कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जो आचार्य विद्वान पधारेंगे उन सबका प्रवचन आशीर्वाद सायंकाल सत्र में भी प्राप्त होगा और ब्रज की जो दिव्य महारासलीला जो सारे विश्व में ख्याति लब्ध है उस दिव्य रासलीला का भी हम लोग आनंद लेंगे। सुंदरकांड का पारायण भी होगा और भी अनेक अनेक कार्यक्रम हैं। हमारे ब्रज के परम रसिक श्री रसिका पागल जी की भजन संध्या और फूल होली के महोत्सव के माध्यम से इस कथा को और इस उद्घाटन समारोह को विश्राम प्राप्त होगा। राष्ट्र की विविध विभूतियों का दर्शन लाभ और भागवत के गायन का भी श्रवण लाभ, भागवत की कथा का भी परम लाभ, दिव्य महारासलीला का भी लाभ, इस प्रकार से इस उद्घाटन के माध्यम से साथ ही साथ अनेक लाभ हमें प्राप्त होने वाले हैं। अतः हम आप सभी से निवेदन करते हैं इस समारोह में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस दिव्य रस धारा में स्नान करके अपने जीवन को भी कृतार्थ करें और साथ ही साथ होली का महोत्सव भी निकट आ जाएगा, अर्थात बरसाने की होली लगभग ये 4 और 5 में प्रारंभ हो जाएगी। ब्रज की होली जो वृंदावन धाम की होली एकादशी में होती है और जो कथा है वो फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी से लेकर के 10वीं पर्यंत होगी और फिर कथा को विश्राम दे करके हम लोग एकादशी का होली महोत्सव का भी पूरा आनंद लेंगे। इसलिए आप लोग होली का भी आनंद लेने के लिए ब्रज के रंग में अपने आप को रंगने के लिए अवश्य में वो पधारें, आप सबका हम आह्वान करते हैं, आमंत्रण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।